सो अभी हम खीरी गंगा जाने वाले हैं, तो खीरी गंगा जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ। तो कभी भी आप आओ ना यहाँ पे कैफे है, यहाँ पे आप शूज रेंट कर सकते हो 150 रुपये और 150 जो भी आपके हिसाब से। इस कैफे का नाम है देव कैफे और आप जिसके थ्रू भी बुक करो चलेगा। और मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगा ये जो व्यू, सो ये व्यू अमेजिंग है और वो जो नदी उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा है कोई म्यूज़िक चल रहा है। कभी भी विंटर के टाइम गाइड लेकर आना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉन विंटर डे चलेगा, ठीक है। तो अब बस तैयारी कर रहे हैं, चलिए भाई। तेरी कहाँ से हो आप? परसैनी से। परसैनी? हाँ। सो ये आप कहाँ जा रहे हो लेकर? ये डैम पर। आपका शुभ नाम बताइए ना। हाँ मेरा, आपका नाम बताओ। विक्रम। अच्छा। कोकिला देवी। अरे वाह। सो हमारे साथ है कोकिला देवी जी। चलो बाय बाय दीदी। अरे अच्छा, इधर ही देवता, देवता। अच्छा तो अब इसमें क्या रखते दीदी आप? अच्छा प्लास्टिक। अच्छा नहीं अभी तो नहीं। अरे नहीं दीदी, उसको कनेक्शन जोड़ना है आपसे कहीं से भी। मुझे क्या, फार बांड्रा से हो? सो यहाँ से है सब विलेज, तोश, खीरगंगा, नागतन, कालगा, पुलगा, तुलगा। सो अब हमें जाना है खीरगंगा। अभी ना चल चल के हम ना सबकी हालत ख़राब हो चुकी है और ऐसा लगता है सबसे लास्ट हम है। ऐसा लगता है कभी गिव अप कर दे, लेकिन नहीं होना है। तो गिव अप इज नॉट इन, क्या गिव अप इज नॉट इन माय ब्लड सर। सिर्फ दो लोग हैं। हाँ क्या था स्लोगन जरा लेना, देखो आपको सोनाली बताएगी। सोनाली ये लो कैमरा, बोलो क्या था तुम्हारा स्लोगन? आई क्रिएट माई ओन ब्लड। सिर्फ दो लोग हैं जो एनर्जेटिक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इट्स नॉट इजी। सो अभी लिया है ब्रेक और इस समय जहाँ पर है वो है नागथान विलेज और आई थिंक यही एक प्लेस है जहाँ पर अभी इंटरनेट है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद से इंटरनेट एक्सिस्ट ही नहीं करता। मैं यहाँ पे मैगी खाऊंगा, चाय पीऊंगा और चला जाऊंगा, उसके बाद अब आगे ही दिखाऊंगा। सब सेम ही व्यू है अभी। तो अभी हम हाफ वे पहुँचे हैं और ये जो व्यू है ना, ये सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, यहाँ तक जाना बहुत फट्टे हालत ख़राब हो सकती है। और एक चीज़, हमें एक जने ज्वाइन किया है एंड वो है ये सोनाली। ओके सोनाली का आज बर्थडे है, सॉरी कल बर्थडे है यार, अभी रुक जाओ, ऊपर जाके बनाना है 12 बजे के बाद। तो 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट होगा सोनाली का। सच में इट्स नॉट इजी, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग फ्रॉम खीरगंगा। सो इस समय मैंने ना कम से कम 7 लेयर्स पहनी है और उससे भी ये जैकेट, एक अंदर जैकेट, थर्मल सब। तो कल क्या हुआ, कल हमने ट्रैक किए एक लेवल के बाद है ना, गाइड ने बोल दिया कि अब कैमरा बंद हो जाएंगे और उनकी बात सही थी क्योंकि उसके बाद जो ट्रैक थे ना बहुत डेंजरस थे। तो अगर आप विंटर में करना चाहते हो ट्रैक खीरगंगा
तो यार मैं बोलूँगा आप सोच के करना, इट्स नॉट कप ऑफ टी यार, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। समर में ये बेस्ट है, सब नहीं होता। और मैं आपको बेसिक एक वर्चुअल टूर देता हूँ, इसका कैसा है यहाँ पे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सक्सेस, बहुत अमेजिंग। फिर से करना है? हाँ करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, डरते तो अपन किसी से भी नहीं है यहाँ। सो हर किसी के पास इतनी डेयरिंग नहीं होती, स्पेशली मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। अब हम देखेंगे कुंड कहाँ पर है, और एक बार देखना है, नहाना तो ऑप्शनल है, तो अभी वही जा रहे हैं और आपको वॉचवर्ड देंगे। हमारा प्लान हुआ था कि हम ऊपर कुंड में जाएंगे, बट यार कोई जा ही नहीं रहा है, इतनी ठंड है, और कौन रिस्क लेगा। इससे बेटर हमने सोचा कि फ्रेश हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे दांत साफ हो लेते, हल्का हो लेते, फिर देखते हैं यार, अभी पॉसिबल नहीं लग रहा। और कभी माउंटेन में आओ ना तो मुझे दिख रहा है ऐसे इसी में वॉक करना, एक ब्लैक आइस आती है, वो ब्लैक आइस में कभी वॉक मत करना। हाँ भाई लोग, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो यार ये ब्लॉग में। बहुत कैसा लगा? चढ़ के तो आ गए हैं यार, हम ऊपर वापस कैसे पहुंचेंगे ये नहीं पता। यार पहले से फटी उड़ी है, क्यों जरा रहे हो? ट्रेलर तो देख ही लिया तुमने। ये देखो पहाड़ों में हम ऐसा खाना खाते हैं, ऐसी हालत होती है हमारी। ये है हमारा ब्रेकफास्ट जो कि बहुत सादा सिंपल है, और ये हम खाते हैं, और वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही है दीदी। मूड खराब होगा या अच्छा होगा? क्योंकि अभी मैं खाने बैठा हूँ। फिर बाद में यहाँ पे बैठता हूँ और सुनता हूँ। Few moments later, पहाड़ों में पता है सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? वॉशरूम का। और हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं यार, हमें भी बस वेट कर रहे हैं कि कब हम जाए फ्रेश होए। अब तो नहाना मुश्किल है यार, इट्स नॉट इजी। सो प्लान है फ्यूचर में आऊँगा ना मैं समर में, तब जाऊँगा, क्योंकि अब नहीं लग रहा ऐसा कुछ हो पाए। ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं लेना है मुझे, सच में मेरा मन ही नहीं कर रहा है। 5 minutes later, सो इस समय हम लोग खीरगंगा ट्रैक से निकल रहे, और ये है वैली का व्यू। साथ में ऋतुजा, सोनाली, सो ब्यूटीफुल व्यू है, और हमारे ट्रैकर भैया, ये भैया सच ओ मेरा भाई, गुजरात की शान जाते जाते सबसे ज्यादा अरुण ये रहे साथ में। और ये देखो सब जगह से बर्फ ही बर्फ है, 6-7 लेयर पहन ली। अब बस देखो इन्होंने भी बोल दिया कि बहुत ऑडियो ले ली, चलो अब बाय। 6.5 hours later, खीरगंगा ट्रैक कंप्लीट। और भाई कैसा लगा? जोर से चिल्लाओ एक बार, हर हर महादेव, बोले सोनिया, बोले सत्या। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया, बहुत थ्रिलिंग है, बहुत पट्टी है, पर बहुत मजा आता है। Bro, really it was awesome. Thanks to guide from Virtuvan Himtrack, they were very supportive. Thank you. You? कैसा लगा? Scared but it will definitely be worth it. हम finally, हमारी जो हालत हुई थी ना वो खतरनाक थी, बट अब बच गए। और भाई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है भाई के साथ में, और भी ज्यादा अच्छा लगा आगे। मजा आ गया ब्रो, मजा आ गया। ठीक है ठंड थी मतलब। अब तो सब अच्छा ही लग रहा है, कल रात को क्या हुआ था? अभी सीधा माउंट एवरेस्ट, हैशटैग जिंदा हूँ मैं, ट्रेंडिंग करूंगा आज रात को। अभी लाइफ में कुछ भी हो जाए यार, ये चीज हमेशा याद रहेगी कि कैसे हम लोगों ने सर्वाइव किया
और कैसे उस वक्त को जिया। ये दूसरी जिंदगी है भाई। हाँ दूसरी पिक्चर अभी बाकी। जब ये ट्रैक शुरू हुआ था तो पता नहीं था कि ये सबसे मेमोरेबल ट्रैक होगा। इस ट्रैक में एडवेंचर था, फियर था, यूनिटी थी और आगे बढ़ने का जुनून। वो सब था जो याद रखा जाएगा और वो लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। ट्रैक के बाद एक फैमिली बन गई, वो फैमिली जो सिर्फ फोटो में नहीं बल्कि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में भी है। हो सकता है कल सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाए और फिर वक्त ना मिले, पर ये ट्रैक उन्हें हमेशा याद रहेगा और याद रहेगी वो बॉनफायर वाली नाइट और बर्फ पर वॉक। सो अब अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी सफर पर कुछ नए लोगों के साथ और नई कहानी के साथ। अलविदा। How was it, Josh? Vikram! Amazing experience, अलविदा।